इमाम जमान सरकार अली वकार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दिनदारो, आज के जिस जदीद दौर में हम रहते हैं, इस तेज़ रफ्तार दौर ने जहां मादी तौर पर बहुत सी तरक्कियां की हैं, बहुत कुछ इंसान को दिया है, लेकिन इनके देने के पीछे कुछ ऐसे असरात भी इंसान पर छोड़े हैं कि जिसकी वजह से आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं गलत न जाऊं तो कम से कम हम ये दावे से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का 50% इंसान का ग्रुप ऐसा है जो किसी न किसी तरह से किसी चीज की महरूमी की वजह से डिप्रेस्ड है। आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया ने इतनी तरक्की की, इतनी सहूलतें हमें फराहम की, कहां से कहां इंसान को पहुंचाया, लेकिन इसके साथ साथ जहनी किस्म की एक अजीब बीमारी लोगों के ऊपर कैसे छोड़ दी? क्या ये आज के जदीद दौर ने छोड़ी, उन साइंस दानों ने छोड़ी, या फिर इंसान की अपनी कुछ कमजोरी चीजों को देखने के बारे में, और इसके देखने की वजह से इंसान खुद इस हालात में मुब्तला हुआ? हम कायनात पर थोड़ा सा नजर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि जिस तरह खुदावंद ताला ने कायनात के इस 24 घंटे को भी दो हिस्से में तकसीम किया है, जिसको हम दिन और रात कहते हैं, हर चीज को एक दूसरे की जिद बनाया है, और कहा जाता है कि इसकी जिद में इसकी तारीफ है। जैसे दिन ही दिन होते तो हम सब क्या करते, रात के लिए तरसते कि थोड़ी सी रात हमको मिलती, तारीकी मिलती, उसी तारीकी से इंसान भागता है और उसी तारीकी को इंसान तरसता भी है कि थोड़ी सी तारीकी मिलती तो हम सुकून से अपनी आंख बंद करके कुछ देर सोते। इसी तरह सिर्फ रात होती तो इंसान दिन को तरसता। मतलब रात अपनी जगह पे सही है, दिन अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये दोनों के असरात जो इंसान के जहन पर होते हैं वो सही नहीं है। इसी तरह दुनिया में मौसम में तब्दीली आती रहती है। आप देखिए, हर तरफ यकसानियत नहीं है मौसम में, कहीं कैसा वेदर है, कहीं कैसा वेदर। इसी तरह इंसान के हालात,
इतनी सहूलतों के बावजूद भी दुनिया का हर शख्स खुश नहीं। हर शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं 100% दुनिया के अंदर खुश हूं, बल्कि कोई एक भी ऐसा नहीं कहेगा। किसी न किसी तरह से कोई न कोई चीज इसको परेशान करती होगी, जिसको हम दुख कहते हैं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्ला अलैही ने कई मरतबा अपने फरामीन में इशारा फरमाया, जब अफ्रीका की जमात पर तकलीफ थी तो मौला ने तालिका भेजा और तालिके में मौला ने इनको याद दिलाया कि याद रखो कि रात और दिन हम खा कितनी भी दुआ करें, लेकिन हमेशा के लिए इस दुनिया पर से तकलीफ हम दूर नहीं कर सकते। हाँ, मौला ने कई जगहों पर इशारा फरमाया कि ये इमाम का अपने रूहानी बच्चों की तरफ प्यार और बच्चों का इमाम की तरफ प्यार, अपने मजहब पर प्रैक्टिस, इन चीजों से इन तकालीफ का बोझ गम आपके ऊपर कम पड़ेगा। लेकिन तकालीफ तो अपनी तरफ है। मौला ने फरमाया जिस दुनिया में आप रहते हैं, हर इंसान के साथ कुछ न कुछ मायूसियां हैं। मौला ने फरमाया कि आपकी ख्वाहिशात का अगर पांचवा हिस्सा, अगर किसी शख्स की ख्वाहिशात का 1/5, मौला ने फरमाया पांचवा हिस्सा भी अगर कबूल हो जाए तो वो खुशकिस्मत है, वो खुशकिस्मत है। देखो, मौला ने फरमाया कि दुनिया में दुख और तकलीफ ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा। पीर पैगंबर, हम किसकी किसकी तारीख बयान करें, कौन बचा है इनमें से? याया पैगंबर रोते थे तो खुदा इनको फरमाते हैं कि भाई रोता क्यों है, तो अर्ज करता है कि दीदार चाहिए। अच्छा, दीदार चाहिए तो फिर तुझे और रोना पड़ेगा, फिर तुझे और ज्यादा रोना पड़ेगा। हजरत इब्राहिम पैगंबर से कुर्बानी ली, नूह अलैहिस्सलाम से कुर्बानी ली, हजरत आदम से कुर्बानी ली, हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी ली। हमारे अइमा अलैहिम सलाम की हिस्ट्री हम जानते हैं। दुनियावी तौर पे क्या हमारे इमामों पर किसी किस्म की तकलीफ नहीं है? बहुत किस्म की तकलीफ है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्ला अलैही की जिंदगी कैसे गुजरी, कैसे गुजरी? क्या इमाम शिकायत करते रहे हर जगह पर? नहीं, मौला की हुजूर में जब मौला जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा बीमार थे और बहुत ही कम लोगों को मुलाकात देते थे, गालिबन 56 की बात, बहुत कम लोगों को मुलाकात देते थे, मौला के हुजूर में एक औरत गई, 6 लड़के इनके, और 6 लड़कों को कुछ न कुछ बीमारी, और मौला के नसीहत के मुताबिक उनका इलाज जारी था। एक लड़के की बीमारी कुछ शदीद थी, इसलिए मौला ने इनको वहां पर बुलाया था, और जब बुलाया तो मौला ने इनको मुलाकात का मौका दिया। मौला की हुजूर में तशरीफ ले गए मौला के बंगले में, तो मौला इनको फरमाते हैं कि कैसी हैं आप? तो आंखों से आंसू जारी हुए, क्यों रोती हैं? खुदाविन, एक बेटे की बात हो तो कुछ कहूं, 6 बेटे और 6 के 6 बीमार, 6 बेटों में से किसी की भी हालत अच्छी नहीं खुदाविन,
किसी एक की हालत हो तो मैं बयान करूं, छह बेटे और छह के छह बीमार। बस मौला ने फरमाया, बस देखो मौला ने फरमाया हम कौन है, हम कौन है। मौला ने फरमाया इमाम आज आपके सामने मौला ने फरमाया छह बेटे की बातें कर रहे, आज हम इमाम आपके सामने व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाते। ये अर्ज किया खुदावेनी, अभी मुझे कुछ नहीं कहना, अभी कुछ नहीं कहना, मौला आपकी दुआ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। इसीलिए मौला ने फरमाया कि दुनिया में कुछ तकालीफ, कुछ मुसीबतें, कुछ दुख इंसान के अपने पैदावार हैं, इंसान की कमजोरियों की वजह से वो पैदा होते हैं, लेकिन कुछ तकालीफ, कुछ दुख कुदरत की तरफ से आजमाइश के तौर पर इन पर आते हैं, जिन्हें बर्दाश्त करने से मौला फरमाते हैं कि ऐसे दुख और तकलीफ जो कुदरत की तरफ से आते हैं, इन्हें बर्दाश्त करने से आपके गुनाह खत्म होते हैं। और आपको याद है अक्सर हम पढ़ते हैं, फिर उस मौके पर मौला ने बदक्षान के एक मुखी की मिसाल दी, जिसको कोढ़ की बीमारी थी और गीला कोढ़ था जिसमें से खून निकलता था। मौला ने फरमाया हमारी हुजूर में खड़ा हुआ, हमने उसको देखा, तुमको तकलीफ नहीं होती? नहीं खुदावीन। अरे जिस्म पूरा सड़ा हुआ है और तकलीफ नहीं होती? नहीं खुदावीन। ये दुनिया की कुछ तकलीफ बर्दाश्त करने से आखिरत का सुख मिलता हो तो क्या खराबी है दिनदर, क्या खराबी है? मौला की हुजूर में अर्ज करता है खुदावीन इससे तो मेरे गुनाह माफ होते हैं। इसीलिए कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है कि बंदों को खुदा आजमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, खुदा बंदों को आजमाता है चीजों से, मुख्तलिफ किस्म की चीजों से, बिशैइन यानी चीजों से, वल खौफ, कभी इनको खौफ में डाल देता है, दहशत में डाल देता है, इंसान डरता है, डिप्रेशन इसी का एक स्टेज है, वल जू, कभी भूख में डालता है, कहत साली जिसको हम कहते हैं, कहत पड़ता है, फसल वगैरह खत्म हो जाती है, वह नक्सिम मिनल अमवाल, कभी माल में नुकसान देता है, वह नक्सिम मिनल अमवाल, कभी माल में नुकसान देता है, वल अनफुस, कभी जान में नुकसान देता है, कि हंसता खेलता इंसान पता नहीं चलता है, जब मिलते हैं तो मालूम होता है कि भाई कहाँ चला गया, तो कहते हैं खुदा का प्यारा हो गया। और याद रखे दिनदारों के जब कभी किसी के भी ऊपर किसी भी किस्म की तकलीफ आती है तो वो यही समझते हैं कि ऐसी तकलीफ किसी के ऊपर नहीं आई, किसी के यहाँ कोई मौत तारी हो गई, किसी के यहाँ चोरी हो गई, कोई किसी किस्म की बीमारी में मुबतला हो गया, तो हम ये शिकायत करते हैं कि क्या मैं ही मिलती हूँ ये सारी तकलीफ, मुझे हर चीज के लिए मुझे ही चुना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया घर मातम का जिसे देखो सो रोता है जारो जारो। कोई एक तो कहे, अगर दुनिया में मौत नहीं होती तो आज कितने इंसान होते, दुनिया में कितने इंसान होते, तो ये तो खुदा का एक दस्तूर है। वल अनफुसी, जान में नुकसान डालता है, वस्समरात, फलों में नुकसान डालता है। इंसान मेहनत करता है और कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलता है, कुदरत कहती है कि ये उसकी तरफ से आजमाइश है,
वत्समरात बशीरे साबिरिन, लेकिन ऐसी हालत में भी जो सबर करने वाले लोग हैं इन्हें खुशखबरी दे दे, इन्हें खुशखबरी दे, इन्हें मुबारक ही दे। अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये वो लोग हैं जिन्हें खुशखबरी या मुबारकबाद देने के लिए अल्लाह कहता है कि ये वो लोग हैं कि जिनके तरफ कभी मुसीबत आ जाती है। इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू, तो वो कह उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरे ये तकलीफ तो दुनिया की है, हम कौन हैं, रूह खुदा से है और खुदा की तरफ वापस जाना है, ये हमारी ओरिजिन है। उलाइक, ये वो लोग हैं, अलैहिम रब्बिहिम, उनके ऊपर खुदा की तरफ से सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उनके परवरदिगार की तरफ से हमेशा दुआएं और बरकात नाजिल होती है। उलाइक हुमुल मुहतदून, और यही तो लोग हैं जो हमेशा हिदायत पाने वाले लोग हैं, जिनको मालूम है कि ये खुदा की मंशा है कि आज खुदा मुझे किसी ना किसी तरह आजमाता है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के वक्त में एक मरतबा माता सलामत के बहुत सारे हीरे चोरी हो गए, हिस्ट्री में लिखी हुई बात है ये, और जमात को पता है, पूरी बैग जो हीरे की थी वो गायब हो गए। लोगों ने सोचा ये आगा खान कैसा है, अपने हीरे का ख्याल नहीं रख सका, उसके यहाँ भी चोरी हो गई। मौला ने फरमाया कि देखो ये तो इंसान की जिंदगी की हकीकत है, ये तो हमारी लाइफ की रियलिटी है कि ये तो हर किस्म के लोगों के साथ में होता है। इमाम है तो इमाम दुनिया में रहते, कुछ वक्त के बाद हीरे मिल गए, लेकिन कहने का मकसद ये था कि मौला ने फरमाया कि ये चीज़ तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया में छोटी बड़ी तकलीफ हर किस्म के लोगों के ऊपर आती, और फिर इमाम तो खुद नमूना है दुनिया में, प्रिंस हुसैन अलैहिस्सलाम का, प्रिंस हुसैन जो इमाम के शहजादे हैं। कुछ वक्त पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, गालिबन 87 की बात है, और इतना बुरी तरह हुआ था कि कुछ वक्त तक तो प्रिंस हुसैन पैरालाइज थे। क्या इमाम चाहते तो फूंक मार के अपने बच्चे की इस मुसीबत को दूर नहीं कर सकते थे? हम अगर ये कहते हैं कि हम पर मुसीबत आती है, तो इमाम के इस बच्चे ने जो उम्र में भी मासूम थे, इन्होंने क्या कोई गुनाह किया था? कोई गुनाह किया था क्या जो इनके ऊपर इतनी बड़ी आजमाइश है कि अभी भी इनकी ट्रीटमेंट जारी? ये चीजें हमको मिसालें देती कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं दिनदारों, ये दुख और तकलीफ से खाली नहीं, लेकिन किस किस्म के दुख को हम किस तरह लेते हैं ये हम पर है। सारी चीजें हर किस्म के लोगों के लिए यकसा नहीं। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मेरे चचाजाद भाई जब गुजर गए तो मेरे चचा ने शुक्र अदा किया। हैरानी होती है, मेरे चचाजाद भाई जब गुजर गए तो मेरे चचा ने शुक्र अदा किया। क्यों शुक्र अदा किया? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसमें इंसान को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढलना पड़ता है। हमारे जज्बात को, हमारे ख्यालात को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक छोड़ना होता है, जहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है, बाकी जो दुनिया की तकालीफ है तो
तो इसमें हमको फरमाया गया है कि आप जिद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, क्योंकि ये स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है। ये जिद्दोजहद आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, और स्ट्रगल करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन नेगेटिव तौर पर इसको वावेला मचा के, शोर मचा के दुनिया में ये जाहिर न करे कि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इन चीज़ों की तरफ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आज दुनिया में इतनी चीज़ें निकली हैं, आप देखें बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, और ऐसी बीमारियों के इलाज के तौर पर लोगों को क्या बताया जाता है, एक तरफ तो मेडिसिन है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कहा जाता है कि हमारा जो मनफी एटीट्यूड है, मनफी हालत जो हम चीजों की तरफ पेश करते हैं, इनको मुस्बत बनाए, इनको पॉजिटिव बनाइए कि भाई एक चीज अगर मेरे पास है तो इसके साथ मुझे किस तरह जीना है। कई ऐसी किताबें लिखी गई हैं, कुछ लेक्चर तो यहाँ पर भी किए गए हैं, 7 स्पिरिचुअल लॉस के ऊपर किया गया, ये सिल्वा माइंड के ऊपर किया गया, मेडिटेशन के ऊपर हमने किया, जहाँ हमने वेस्टर्न राइटर्स की बातें पढ़ी और हम सोचते हैं कि जिंदगी का यही मकसद है। लेकिन कभी हम अपनी तारीख को जाके, हम हमारे पैगंबर इमाम की हिस्ट्री को देखें, हम हमारे फरामीन में आए, हम कुरान का मुताला करें, ये सारी चीजें मौजूद है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद है। लेकिन जब बाहर की बातें आती है तो फॉरेन की हर चीज जिस तरह हमको अच्छी लगती है, हम समझते हैं कि इनके जैसी बातें कहीं हमको नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। लेकिन ये भी चीजें पढ़नी चाहिए दिनदारों, अगर इन चीजों के पढ़ने से भी हम अपने हालात को दुरुस्त कर सके तो ये हमारे लिए बेहतरीन जरिया है। ये कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हम कभी मुताला तो करें। इसीलिए तो मौला ने फरमाया, 1970 में मौला ने फरमाया था, इसी कराची में मौला ने फरमाया कि देखो, जो अपने मजहब पर पाबंदी से अमल करता है, अपने मजहब को प्रैक्टिस करता है, अपने मजहब की रसूमात से जो वाकिफ है, तकलीफ तो उन पर भी आएगी लेकिन उसका बोझ इतना नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना ये वो जानता है, मजहब की रोशनी में जानता है। इसीलिए हमको कहा जाता है कि आपको जो जिंदगी मिली है, जो चीज आपको मिली है, अगर आपको उन चीजों में से कुछ पसंद आती है तो आप उस चीज के साथ एंजॉय करें, खुश रहे। मसलन एक जॉब है मेरे पास, किसी किस्म की सर्विस है, या कोई फर्द है, या मेरे रिश्तेदार में से कोई ऐसा फर्द है, या किसी भी किस्म की चीज है, अगर मुझे अच्छी लगती तो कहते हैं कि आप खुश रहे उस चीज के साथ। खुदा ना खास्ता अगर उस चीज से आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप उसे इग्नोर करें, अवॉइड करें। चीज तो मौजूद है वहां पर, क्योंकि हम चीज तो उठा के फेंक नहीं सकते, लेकिन उसके वजूद को अवॉइड करें, न होने के बराबर समझे। अगर हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तीसरा स्टेज इसमें यह आता है कि उस चीज को हम चेंज कर दें। हम पसंद नहीं करते, हम अवॉइड नहीं कर सकते, और हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें कहा जाता है कि भाई जैसी हालत में ये चीज है इसको एक्सेप्ट करें, इसको कबूल करें, ये भाई हालात को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अब जो कुछ है वो इसी तरह है। लेकिन कहते हैं ये एक्सेप्ट करना,
किसी चीज को एज इट इज कबूल करना, ये भी इंसान की फितरत नहीं, ये भी इंसान की फितरत नहीं है। तो फिर कहते हैं कि क्या करें इसको, फिर हम इसको क्या करें। तो कहते फिर वो चीज वहां पर मौजूद है जिसको आप पसंद भी नहीं करते, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, आप इसको बदल भी नहीं सकते, आप इसको कबूल भी नहीं कर सकते, तो उस चीज की तरफ अपना जो रवैया है उसको बदल दे, अपने रवैये को पॉजिटिव कर ले कि भाई ये चीज यहां पर है, जिस हालत में भी है, मैं पसंद करूं या नहीं करूं, मैं इसको छोड़ना चाहूं या नहीं छोड़ सकूं, मैं इसको बदलना चाहूं नहीं बदल सकती, जिस हालत में इस तरह कबूल भी नहीं कर सकती, लेकिन ये दुनिया में मुझे इसके साथ में रहना है, मुझे इसके साथ में काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी आदतों को पी जाते हैं। हम अपने आप को चेंज कर सकते, तो दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अपने आप को चेंज करते। एक शख्स ने बहुत बड़ा शोर मचाया, खुदा के पास चिल्ला चिल्ला के कहता है, ऐसी दुनिया की हालत हो गई तू देखता नहीं? तो खुदा कहता है मैं तो देखता हूं, लतीफा बनाते ना, खुदा कहता है मैं देखता हूं, तो फिर किसी को भेजता नहीं इसको दुरुस्त करने के लिए? तो खुदा ने कहा मैंने तो भेजा है। बोले किसको भेजा है? तो बोले तुझे तो भेजा है। तू किस काम का है, तू किस काम का है? तो हर शख्स, अगर हम किसी और को नहीं बदल सकते तो कम से कम हम अपने आप को तो बदले, हम अपना एटीट्यूड तो बदले, हम तो इस चीज को इस तरह ले ले कि दुनिया रोती धोती रहे, लेकिन चूंकि मेरे पास इमाम का नूर मौजूद है, मैं एक अच्छे मजहब में कितनी अच्छी तरह से सलूकों के पाठ पढ़े जाते थे जमात में, जिसमें धर्म की बात है कि धर्म हमारा उत्तम है, हमारा मजहब क्या है दीनदारों। आज ही हम बात कर रहे थे कि दुनिया में कोई तो ऐसा मजहब बताओ कि जो इतना टाइम दे मजहब के पीछे। 7 दिन मुसलसिल हम सताड़े में आए, हम सुबह आते, हम शाम आते, आज हमारी मजलिस थी, हम कितने बजे से बैठे हैं यहाँ पर, और फिर भी देखो रौनक है लोगों के चेहरे पर, खुश है, हमें कौन सा दुख है दिनदारों। जन्म दुखी तिस जानिए, जिने खोया किरतार, सुख और दुख जिसका खुलासा ज्ञान में पीर हमको देते हैं वो ये देते हैं कि भाई दुखी ऐसे लोग हैं जो मौला के नूर से दूर है, जो इन जमात खाने की बरकात से दूर है, जिनके दिलों में धर्म नहीं, जिनके दिलों में धर्म की तरफ प्यार नहीं, दुखी तो वो है। शाह जो पावे सोहाग का, तिसे जन्म मरण न कोई। ये जन्म और मरण का दुख तो उनको है जिनके पास मजहब नहीं, लेकिन जिनको मौला मिल गया है, जो धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, मजहब में पैदा हुए हैं, उनको दुख और सुख की क्या परवाह। वो तो सोचते हैं कि मौला के नूर में हम सुखी है, वरना मौला से दूर हम चले जाते हैं तो हमारे जितना दुखी कोई नहीं। इसीलिए हमको बताया गया कि दुख और सुख काया पिंडी ने आवना वीरा भाई, जावना वीरा भाई, कि इस दुनिया में हमारे जिस्म को दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा, आता जाता रहेगा, लेकिन ऐसी हालत में पण हृदय थकी सत धर्म न छोड़े। ऐसी हालत में अपने दिल में से सत धर्म, ये सच्चा मजहब या मजहब की सच्चाई को छोड़कर चले जाने की बात नहीं, लेकिन अपने आप को संभालने की बात है। एक ग्रुप जो ट्रैवल कर रहा था शिप में, एक जगह पे पहुंचते पहुंचते शिप पूरी डूब गई, सारे लोग डूब गए, एक फर्द अंदर से बच गया।
एक शख्स बचा अंदर से, किसी तरह वो किनारे पर पहुंचा, अकेला शख्स, और ऐसा किनारा कि जहां कोई कभी पहुंचता भी नहीं। अब सोचा कि जिंदगी तो गुजारनी है, इसने वहां पर थोड़ा सा एफर्ट किया, स्ट्रगल किया, जिद्दोजहद जिसको हम कहते, कोशिश की, और इसने वहां छोटा सा अपने लिए एक हट बनाया, एक घर बना लिया किनारे पर छोटा सा, लकड़ियां बकड़ियां जमा किया। एक मर्तबा खाने पीने की चीज के लिए जंगल में तलाश करने गया, पीछे से अचानक आग लगी और इसकी इसका जो हट था, इसकी जो झोपड़ी थी, वो जल गई, काफी धुएं उठे। अब हट के पास पहुंचा तो कहता है कि ए खुदा, एक तो बड़ी मुश्किल से तूने मुझे बचाया, मेरी जान बचाई, इतनी मेहनत किया और ये झोपड़ी मैंने बनाई, आज ये झोपड़ी तू जला दिए, तो ठीक है, अभी कर क्या सकता है, धुएं अभी तक निकल रहे। रात गुजारी वहीं पर झोपड़ी के बाजू में। दूसरे दिन देखा दूर से एक शीप आ रही है। खुशी हुई इसको, शिप से कुछ लोग उतरे और इसको कहा, भाई हम तेरे को लेने के लिए आए। बोले कैसे पता चला? तो कहता है कि तूने जो स्मोक आसमान की तरफ उड़ा के निशानी दी थी कि यहाँ तुझे हेल्प की जरूरत है, हम तुझे हेल्प करने के लिए। अब ये उसके लिए दुख था या सुख था? सुख और दुख की डेफिनेशन हम क्या दे सकते दिनदारों, हम क्या दे सकते? ये झोपड़ी का जलना उसके लिए दुख कहे, या हम ये कहे कि ये उसके लिए सुख की निशानी थी? कि लोग कहते हैं कि तेरे स्मोक को, तेरे धुएं को देखकर हम आए कि यहां कोई रहता है और जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है, और आज हम तुझे बचाने के लिए आए। शुक्र अदा किया, शुक्र अदा किया कि तेरे रहमत कितनी है, तेरी रहमत, हम कहां जाएंगे। हॉस्पिटल के एक कमरे में दो शख्स बीमार, जिंदगी के कुछ दिन काट रहे हैं, अपने बिस्तर से हिल नहीं पाते, अपने अपने बेड में दो बिस्तर लगे एक कमरे के अंदर, बस नर्स आती है, इलाज करके चले जाते, मौत का इंतजार कर रहे हैं। एक शख्स खिड़की के पास था, एक बाजू में जिसको खिड़की नहीं दिखती थी, खिड़की के बाहर की जगह नहीं दिखती थी, बेचारा उसको पूछता था, तुझे बाहर कुछ नजर आता है? तो कहता है हाँ, क्या क्या नजर आता है? तो बोलता है, पूरी डेफिनेशन दे दी, खुलासा करता गया, खुदा की जो खूबसूरती उसको बयान करता गया कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बाहर बगीचा है, इसमें परिंदे चहचहाते हैं, अच्छे खासे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और सुबह देखो ये सूरज निकलता है, चांद निकलता है, रात को तारे दिखते हैं। तो दूसरा शख्स था, उसको थोड़ी सी जलसी हुई, थोड़ी इसको हसद हुई। वो कहता है कि यार ये सारा लुत्फ खिड़की के पास से उठाता है और मैं खिड़की से दूर हूं तो मैं महरूम, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नजर नहीं आता है। दिल ही दिल में सोचता था कि इसका जल्दी से खात्मा हो जाए तो कम से कम उस बेड के ऊपर मैं चला जाऊं। हुआ ऐसा क्योंकि दोनों दिन काट रहे थे, हंसी खुशी उसकी जिंदगी पूरी हो गई, एक दिन आंख बंद करके सो गया। नर्स आए, देखा कि ये तो मुर्दा है, इसको वहां से निकाला तो नर्स को कहता है कि भाई एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक अर्ज है मेरा, क्या है? मुझे उस खटले पे डाल दे, उस बेड के ऊपर मुझे सुला दे, क्यों रोजाना इसने नजारा देखा, अब मैं कुछ दिन नजारा देखना चाहता हूं कुदरत का। वो अकेला अकेला इससे लुत्फंदोज हो जा रहा और मैं बाकी रह गया। कहा ठीक है, उसको उस खटले में डाला, खुश हुआ बेचारा, थोड़ी सी वो जगह नजर आती थी बाहर, देखा बिल्कुल दीवार थी, खिड़की के बाहर एक दीवार थी, कुछ नजर नहीं आता था। सोचता रह गया,
कि वो शख्स रोजाना कहता था खूबसूरत बगीचा है, परिंदे चरिंदे अंदर इतना शोर करते हैं, इतने खूबसूरत फूल है, अरे यहाँ तो सिर्फ दीवार है। उसने कहा ठीक है, इसने मुझे जिंदगी जीने का एक सच्चा रास्ता बताया कि जिंदगी में कोई चीज मिली है। आज हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारे पास कौन सी है दिलदारों, या आए दिन चोरी लुटफात होती है। हम क्या कहते क्या कहते, कबाट वगैरह की चाबियां पकड़ा देते, भाई जो चाहे ले जा। उस वक्त हमारा दागिना कीमती नहीं, हमारी चीजें कीमती नहीं। उस वक्त हमारी नजर में सिर्फ एक चीज कीमती है जिंदारों, वो हमारी जिंदगी, हमारी अपनी जान, कि जिसके लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो शख्स कहता है कि मैं इसका हसद करता रह गया और इसने मुझे बाकी की मेरी जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका दिया कि ये खुदा की कायनात है, जाना ही है इस दुनिया से, तो जो जिंदगी हमको मिली है इसको हम अच्छी तरह से गुजार कर क्यों ना जाए दिनदारों, क्यों ना जाए, क्यों छोटी छोटी तकलीफ से हम इधर उधर भागते फिरते हैं, क्यों हम पैनिक हो जाते हैं दिनदारों। दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है, जैसे मौला ने फरमाया कि कोई तो ये कहे कि दुनिया में कोई ऐसा जन्नत है, कहां जन्नत है। हम अखबार नहीं पढ़ते, हम न्यूज नहीं देखते, दुनिया में कौन सा हिस्सा है कि भाई थोड़ी सी तकलीफ है चलो भागो किसी और जगह पर हम चले जाए। नहीं दिनदारों, याद रखना इतना कि ये पैनिक होने में हम अपने आप को ज्यादा दुखी करते हैं, हम अपने आप को ज्यादा दुखी करते हैं और दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। क्या हाजिर इमाम को पता नहीं हम पर क्या हालत गुजरते, जो ताजिकिस्तान जैसी हालत में जाकर मुरीदों के और जो मुरीद नहीं इनको भी मौला दुआ फरमा के आते हैं कि शब और रात मुश्किल आसान की दुआ फरमाते हैं मौला, कितनी उनके ऊपर तकलीफ होगी दिनदारों, कितनी तकलीफ होगी इनके ऊपर। ये हमारी तकालीफ उनके सामने किस हिसाब में, किस हिसाब में। मौला ने फरमाया कि अब अपने आप को एडजस्ट करो, इस हालात में अपने आप को ढालने की कोशिश करो दिनदारों, इससे भागने की नहीं, इससे भागने की नहीं। और याद रखे कि जिसने अपने आप को थोड़ा सा भी इस मजहब के रंग में घिसाया है ना दिनदारों, थोड़ा सा भी, पीर ने जो मिसाल दी है वो तो बहुत बड़ी मिसाल दी है, हम तो ऐसे कभी बन भी नहीं सकते, हम ऐसे कभी नहीं बन सकते। बहुत सादा सा गिनान का पाठ है, मैं थोड़ा आपका सामने पढ़ती हूँ। मेहंदी हमने देखी है जो कलर लाती है, हाथों में लगाते हैं, क्या हम हरे पत्ते लेकर लगा देते हैं हमारे हाथों में, हरे पत्ते चुनकर और हम हमारे हाथों में लगा देते हैं? नहीं दिनदारों, किस प्रोसेस से उस उन पत्तों को गुजरना पड़ता है और फिर वो क्या मर्तबा पाते हैं, इसका जिक्र करते हुए बेहतरीन तशबी ऐसे लोगों को पीरों ने दी है जो मजहब में रहते हैं और थोड़ी सी जब तकलीफ आती है तो घबराते हैं। पीरों ने हमको बताया कि मेहंदी रंग तो जा पावे, पत्थर तले जो आप पिसावे। मेहंदी के पत्ते में रंग उस वक्त आता है जब पत्थर के नीचे वो अपने आप को पिसाते हैं। जीव दुख देखे तीव अति सुहागी। आप देखें जैसे पत्ते को अच्छी तरह से बारीक पिसा जाता है इतना इसका रंग पक्का होता है। जीव दुख देखे तीव अति सुहागी, तो जा नौसा के पांव लागी, तब जाके दूल्हे के पैर पर लगती है। जितना इसको पीसा जाता है इतना रंग निखरता है, तब जाके वो
दूल्हे के पैर पर लगती है, नहीं तो हरिया पांडड़ा कहिए। अगर वो पिसाए नहीं तो फिर वो सिर्फ हरे पत्ते है, पीसे रंग तो परगट लिए। अगर वो अपने आप को पिसाए तो रंग इसमें से जाहिर होता है। बिना पिसे जो जन्म गमाइए, तिल भी रंग तो कहां सुपाइए। पिसे बगैर किसी भी किस्म की तकलीफ के बगैर अगर हम जिंदगी गुजारते हैं तो फिर पीर फरमाते हैं कि फिर रंग कहां से हासिल करोगे, वो सुर्खी कहां से हासिल करोगे, वो दर्जा कहां से पाओगे, वो मौला का नूर कहां से पाओगे कि जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें मौला के नूर के करीब होना है। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को लगड़ी रे प्रीतम नेह न छोड़ू, दावा करते ना हम, लगड़ी रे प्रीतम नेह न छोड़ू, धर सिर करवत अंग न मोड़ू। ये तो हमारा दावा है जो पीर ने हमको गिनान में फरमाया कि मोमिन कैसा होना चाहिए, कि मौला से प्यार अगर हमको है तो फिर दुनिया की छोटी छोटी चीजों से हम घबराते नहीं। अगर सर के ऊपर करवत भी रखी जाए, तलवार भी रखी जाए, फिर भी हम नहीं डरते हैं। तिल भी रंग तो कहां सुपाइए, अगर अपने आप को थोड़ा सा भी हम पिसाते नहीं है तो मौला का जरा भी रंग, मौला का थोड़ा सा भी इश्क हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अपनी देही का भी ऐसा ढंगा, मेहंदी के साथ में अपने जिस्म की तस्वीर देते हुए फरमाते हैं कि अपनी देही का भी ऐसा ढंगा, आप पिसाइए तो लागे रंगा। मेहंदी की तरह थोड़ी सी तकलीफ दो, थोड़ी सी कसौटी में अपने आप को डालो तो रंग लगेगा। मेहंदी माहे रंग है जाने सारा जग, आप पिसावे पत्थर तले तब लागे नौसापन। मेहंदी में सुर्खी है, रंग है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन कब, जब पत्थर के तले अपने आप को पिसाती है तब इसमें से रंग निकलता है और तब हम हाथों के ऊपर और पैर के ऊपर लगाते हैं। तो दुनिया की छोटी छोटी तकालीफ से हमें कभी घबराना नहीं। जो चीज़ जिस तरह की हमको मिली है दिनदारों, इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उन चीज़ों की तरफ हमारा पॉजिटिव रवैया करें। कभी थोड़ा सा ये ख्याल कर ले कि आज दिन के अंदर जो जिंदगी हमको मिली है हम इसको अच्छी तरह से गुजारेंगे, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम दुनिया के किसी फिक्र को अपने ऊपर बोझ नहीं समझेंगे। जो भी काम हमको मिला है, जो भी खिदमत मिली है, या दुनिया में जिस किस्म का भी हम काम करते हैं, इसके साथ हम ऑनेस्टली काम करेंगे और आखिर में दुनिया की किसी भी किस्म की चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ आ जाए तो हम खुदा की मर्जी समझकर इसको हम बर्दाश्त करेंगे। तो आज के वास का यह मकसद है दिनदारों कि दुनिया में हमारे पर सुख भी है, दुख भी है, लेकिन हम सुख को भी किस तरह लेते हैं, दुख को भी किस तरह लेते हैं, इसीलिए हमारे पास इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। मौला की हिदायत वक्तन फवक्तन इन इदारों की तरफ से हमको मिलती है। जब कभी भी हमें किसी भी किस्म की हिदायत मिले, इन हिदायत के ऊपर अमल करने की कोशिश करना। दूसरा, आज के ज़माने के मुताबिक हो सके इतना सिंप्लिसिटी हमारी हर चीज़ के अंदर, हमारी रहाइश, हमारा खाना पीना, हमारे शादी ब्याह, हर चीज़ के अंदर हमारी सिंप्लिसिटी। सख्त मेहनत, पैसे को बचाइए। और मौला ने फरमाया कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मौला के दूसरे ऐसे दिनदार जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, इनको हम किसी न किसी तरह हमारे पैसे में से उनका हक बनता है, इनकी कोई हम मदद कर दे और खुदा की बनाई हुई चीज़ों से हम प्यार और मोहब्बत रखें। मौलाना हज़र इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करें, अपना ज़ाहरी बातिनी नूरानी दीदा नसीब करें। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद।